छतरपुर से खबर सामने आ रही है। होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार सामने आता है। जब उनकी जरूरत होती है तो शासन उन्हें अपने अनुसार लगा लेता है और जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ये पहला मामला नहीं है, आगे भी इस तरह की कई बार समस्याएं इन लोगों के साथ देखने के लिए मिली है। कोरोना काल में होम्योपैथिक चिकित्सकों को भर्ती कर लिया गया था, उनसे कोरोना काल के दौरान पूरा काम करवाया गया और जब सास की भर्ती निकलती है तब उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों ने जनसुनवाई में अपना ज्ञापन दिया है और उनका कहना था कि उनके साथ हमेशा ही शासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। जब भर्ती होती है तो आयुष विभाग के डॉक्टरों को ही लिया जाता है और अन्य भर्तियों में उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये सरकार का मनमर्जी रवैया उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि शासन इस ओर ध्यान दे और उन्हें सम्मानजनक नौकरी दिलाई जाए। ये हम लोगों की होम्योपैथिक चिकित्सकों की मांग है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा हम लोगों के साथ होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जैसे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना की थी जिसमें सिर्फ आयुर्वेद को लिया जाता है, इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती हो रही हैं उसमें आयुष विभाग की भर्तियां की जाती हैं लेकिन उनमें होम्योपैथी चिकित्सकों को बाहर कर दिया जाता है। इसी मांग को लेकर आज हम पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। मांग पूरी नहीं होती है तो क्या, अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो 7 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे और उसके बाद क्रमिक अनशन करेंगे।